हाय दोस्तों, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? ऑल गुड? आज मेरा सुबह तो बहुत ही प्रॉब्लम ही हुआ, क्योंकि उनको उनका पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया, पेट खराब हो गया उनका। तो सुबह से बस उनके लिए थोड़ा टेंस थी मैं। रात के 3 बजे से लेकर, आज शाम के 3 बजे तक वो बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम ही होते रहे। बहुत परेशान हो गए। और सुबह उनके लिए मेडिसिन लाई, टिफ़िन लाई, और टिफ़िन खाकर थोड़ा मेडिसिन लिया उन्होंने, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेहतर फील। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर किसी को भी दस्त या पेट में गड़बड़ी हो जाए तो पानी सफिशेंट पीना चाहिए। डॉक्टर जो बोलते हैं ओआरएस लेना है लीजिए, और नींबू चीनी मिलाकर पानी पीते हैं ना, वो पीजिए। 50% मेडिसिन का काम तो वो नमक और चीनी वाला पानी होता है ना, वही कर देता है। बस हमें पानी पीने से पेट में और गड़बड़ी हो रही है, बार बार बाथरूम लग रहे, वैसा नहीं सोचना है। हमें जितना जितना निकलता है निकलने दो, पर हमें पानी, हमारे बॉडी को पानी उस वक्त हमारे बॉडी को पानी की सफिशेंट जरूरत हो, ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें पानी पीना ही चाहिए, किसी भी वक्त पे हमें पानी पीना चाहिए, ये बात याद रखना। और उस टाइम पे पूरा लाइट फूड लीजिए, पूरा लाइट फूड, वो हेवी नहीं। आज भी मैंने लंच पे कुकर में राइस बना के उसमें पानी और नींबू डाल के थोड़ी देर हाफ एन आवर रख दिया। उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसे हम कुछ सौजा बुखारा टाइप उसे बोलते हैं। उसके साथ टमाटर, टमाटर की चटनी और बॉइल्ड आलू, बस इतना ही लिया। हमें ये लाइट फूड इसीलिए लेना चाहिए। अब देखिए, हमारा पेट 24/7 काम करता ही रहता है। जब वो भी वो थक जाता है तभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहते हैं, समझ सकते हैं ना? इसीलिए वो भी कभी कभी वो जब थक जाता है तो वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाता है। हम हमारे पेट को भी चलो थोड़ा आराम दे देते हैं, क्या बोलते हैं? तो वो हुई सुबह की बात, जब उन्होंने दवाई खाई, उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। हमारे घर के लिए थोड़ा मार्केटिंग करना था तो उन्होंने बोला चलो घर पे। वो आदमी लोग क्या होते ना, उन्हें बाहर काम करने का हैबिट होता है। अगर वो कुछ देर भी घर में रुक जाए तो उन्हें टेंशन हो जाता है कैसे बाहर निकले हम। वैसे तो उन्होंने बोला चलो आज कुछ मार्केटिंग करना है, हम करके आते। मैंने बोला आपको अच्छा तो लग रहा है ना, मैं अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, चलो। इसीलिए मुझे थोड़ा घर के लिए कुछ डोर स्क्रीन वगैरह खरीदना था, हम इसीलिए निकल गए। डोर स्क्रीन वगैरह हमने उन्होंने जूस पिया, मैंने चाय पी, और क्या किया, और हम जूते भी खरीदना था पर हम जूते खरीदने नहीं गए। जूता अच्छा नहीं लगा, खदिम्स गए थे पर अच्छा नहीं लगा। पर स्क्रीन 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 हमें हमारे बजट में मिल गया, हम खरीद कर ले आए। मैं स्क्रीन घर पे नया स्क्रीन लगा के दिखाऊंगी, बताना कैसा लग रहा है, ठीक है? आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आप लोगों को और किसी भी बारे में कुछ जानना हो तो होम रेमेडीज बारे में, क्या क्या आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए, ठीक है? चलिए देखते हैं हमने कैसे मार्केटिंग की, कहाँ से गए कहाँ आए, ठीक है? चलिए देखते हैं। हम मैं और मेरे हस्बैंड घर से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मार्केट। ये हमारा मेन रोड है। तो उन्होंने बहुत सारी स्क्रीन दिखाई,
तकरीबन 20 से 30 तरह की स्क्रीन दिखाया, बस हमें हमारे बजट में जो लगा हमने वो देखा, वो भैया दिखा रहे हैं हमें। हमें 4 स्क्रीन एक तरह के चाहिए, वो हमें निकाल निकाल के दिखा रहे हैं वो सारी वैरायटियाँ। वो देखिए मेरे हस्बैंड ब्लू शर्ट में खड़े हैं, मैंने कैमरा पकड़ा है इसीलिए मैं दिख नहीं रही हूँ। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटियाँ हैं कि हम भी कन्फ्यूज हो गए कि कौन सा लेना है। हमारे वॉल का कलर है पिंक और हमें पसंद आ रहा है वो भी तकरीबन पिंक कलर ही, तो हम कन्फ्यूज रहे वो मतलब वॉल से मैचिंग कलर ले या डार्क कलर ले, क्या लेना है वही हम सोच रहे हैं, तो हमने यही वाला ही चूज़ किया। तो हमने चूज़ कर लिया है हमें जो चाहिए, मैंने जो दिखाया था उसी का ही 4 सेट हम लेकर जा रहे हैं। अब हम जाएंगे खदीम्स जूते देखने, ये खदीम्स का एंट्रेंस है, देखिए फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, चलिए देखते हैं कैसी चीज़ें मिलती है। डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए बहुत रश है शायद, उतना भी नहीं है, चलिए देखते हैं कैसी है जूते। ओ सारी चीज़ों पे डिस्काउंट नहीं है कुछ।